ये मेरा ख्याल काफी ज्यादा खा गई, इन बस करवाओ। ओए होए 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 ये बस जुबान की आग जला सकता है। क्यों बे मजा आ गया क्या? वो देखें सोसी से बाहर आ गई, इसको बाहर नहीं आना चाहिए था, ज्यादा नहीं तो पाना था। ये मेरे से गलती होगी, नेक्स्ट में मैं ऐसे नहीं करूंगी। अब हम पेट्रोल की जगह इसकी जुबान डालेंगे, ठीक है? तीन लौंडे लपाड़े मेरे साथ करेंगे हेल्प। तो ये तीन लौंडे और एक बड़ा लौंडा है, वो भी मेरे साथ करेगा हेल्प, और मैं बनाऊंगा आज तिक्के शिक्के। बाकी हमने ये सिस्टम सुस्टम उठा लिया है, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होना चाहिए। हल्ला गुल्ला क्या यार, थोड़ा सा मजा तो आना चाहिए ना बारबेक्यू का। ये तो ये करीब लाओ थोड़ा सा। ये पहले हमने सलाद के पत्ते, एक टमाटर और जो भी कहते हैं, खैर आज घर में मामा लोग आई हुई हैं और मैं बना रही हूँ दही बल्ले फ्राइज और ये देखें सैंडविचेस। तो मैंने कहा मैं इनकी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर लूँ। दही बल्ले बस रेडी होने वाले हैं, सैंडविचेस मैं जब रेडी करूँगी तो मैं बता दूँगी। वो मेरा सैंडविच मेकर पड़ा हुआ है, उसमें हम बनाएंगे क्या सैंडविचेस। दही बल्ले हो गए हैं रेडी, आज बने हैं मज़े के क्योंकि दही था खट्टा। अब मैं बनाने लगी फ्राइज, सैंडविचेस भी तैयार होने लगे हैं क्योंकि मैं अकेली लगी हुई हूँ, मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ईदा आज बहुत हैप्पी है क्योंकि उसके कज़न्स आए हैं, क्योंकि वो अकेली होती है घर में हमारी, जो भी आता है ईदा उसको जाने नहीं देती। बारबेक्यू की रेसिपी रेडी हो रही है, इनको करना है हमने लाइट सा ब्राउन फ्राई ताकि ये गल जाएँ। तो ऐसा है कि सबको भूख लगी और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, और मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी बना लूँ, लेकिन जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं होता जब आप अकेले लगे हो। तो ईदा को मैंने सिस्टर को बोला है कि उसको सुला दो, कोशिश जा रही है उसको सुलाने की। और वो देखें जी वो नहीं सो रही क्योंकि ये बच्चे जो हैं हमारे डिवाइड हो रहे हैं, कोई इधर बैठ गया आके कोई इधर, तो वो इनकी वजह से नहीं सो रही कि ये साथ लेटेंगे सोएंगे, जिसको मैं भी बार बार भागूँ और उनके साथ खेलूँ। सैंडविच मेकर भी रेडी है, सॉसेस वगैरह भी रख ली है, सब कुछ रेडी है। चिकन मेरा थोड़ा सा जल गया है और ये अभी तक नहीं हुआ है, ये पहले नॉन स्पाइसी था, आंटी को चेक करवाया, उन्होंने कहा स्पाइसी कर लो, इसको स्पाइसी कर लिया। ये कहीं से मीठे चावल और चने वाले चावल आए हैं, खैर चने जी। अब ये ब्रेड है जो कि हम अलफतेह से लेके आए थे, इनकी ब्रेड बहुत अच्छी होती है, आप लोगों ने सैंडविच बनाने हैं तो ये अलफतेह की ब्रेड यूज़ किया करें। तो जल्दी जल्दी रेडी करते हैं, सबको बहुत भूख लगी है। और ये एग भी रेडी हो गया है, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी के इसमें सब कुछ कैसे पुट करना है। लेकिन सबसे पहले आपके किचन में नीटनेस और सफाई का बहुत ख्याल रखें, जब भी आपने कुछ कुक करना है गंद नहीं मचाना है। अच्छा हमको सिखा दिया है। अच्छा जी आपने क्या करना है, तीन पीस लेने हैं, थ्री स्लाइसिस। वन में हम ऐड करेंगे पत्ते सलाद, सेकेंड में हम ऐड करेंगे चिकन, उसके ऊपर सॉसेस एग, और इस चला जाएगा इसमें। ओके अंडरस्टूड। वैसे तो बात ये है कि अंडरस्टूड करने के लिए थोड़ा दिमाग भी होना चाहिए, जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं है, आप लोग के पास तो होगा माशाल्लाह से। बात तो सही है। और ये मैंने अभी इतने ज़्यादा बना लिए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कोई आ जाओ मदद के लिए यार। जी तो ये करीब लाओ थोड़ा सा। ये पहले हमने सलाद के पत्ते, एक टमाटर और जो भी कहते हैं, अब इसके ऊपर हम सबसे पहले डालेंगे जी मायो केचप सॉस। ये बच्चे हमारे थोड़े नोटी हैं, सबको मैं खोलती जाऊँगी। थोड़ा डालेंगे जी हम मायोनेस। अच्छा जी इसके बाद चिकन स्क्वेल्ट, वैसे आपकी अपनी मर्जी है जो भी आप लोग लाइक करते हैं सॉसेस वगैरह। और ये देखिए आपने अपने क्या कहते हैं जायके के मुताबिक आपने थोड़ा डालना है, और ये हमेशा ज़्यादा निकल आता है तो इसको मैं पहले बाउल में डालूँगी। ये जी थोड़ा सा ये ऐड कर दिया, स्पेस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम डालेंगे थोड़ी सी केचप। अच्छा ये हमने डाल दी थोड़ी सी केचप, क्योंकि साथ भी खाई जाती है तो आप ये थोड़ा थोड़ा ही सब कुछ डालें, अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो इसको स्पाइसी कर लें। और ये थोड़ी बारबेक्यू सॉस, बाकी भी सारे ऐसे ही रेडी करेंगे। तो ये मैंने दे दी इसके ऊपर ब्रेड, देखिए अब क्या करना है। अब मैंने इसको इसमें रख देना है, और मैंने इसको पहले ही ऑन कर दिया हुआ था, इसको हम जी कर देंगे अच्छी तरह दबा के बंद। वो देखें सॉसेस बाहर आ गई, इसको बाहर नहीं आना चाहिए था, ज़्यादा नहीं तो पाना था। ये मेरे से गलती होगी, नेक्स्ट में मैं ऐसे नहीं करूँगी। तो कोई बात नहीं, तो कुछ ऐसे सैंडविच की मत बज रही है पर रेडी हो गया है। बनाने में इतना टाइम लगता है, और खाने वाले कहते हैं जी कि ये क्या बनाया है, इसमें नुकसान कान खोल के खा पी के 2 मिनट क्या 2 सेकंड भी नहीं लगाते, और जी वो जाते हैं खा पी के।
कहते लो जी ये क्या बनाया है, और जब खाते हैं लो ये क्या बनाया, और जी इनको बताएं 4 घंटे लगते हैं, मैं सुबह की लगी हूँ। फाइनली फाइनली सैंडविच हो गए हैं रेडी, है हमने ट्रिपल ट्रिपल डबल डबल रखे हैं, जो हमें छोटा बस जैसा अभी भी मटीरियल है, वेट हो रहा है किसी, बस आप लोग समझ गए होंगे ये ब्रेड का कहा है, और ये सारी जी चीज़ें लाती हैं मैं आपको दिखा दूँ, और इन सबको रेडी देखने में तो बहुत ईजी लग रहा है, सब कुछ आसान लग रहा है, लेकिन मुझे पूरे इसमें 2 से 3 घंटे लगे हैं। और सैंडविच में क्या ना, ये जी मासी लाई हैं इधर की फ्राई चिक्स, उसके विंस फेवरेट है उनके, वो खाती है। गर्मी आ गई तो मैंने चाय नहीं बनाई, मेरे से चाय का खजर मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं चाय बनाने की, इसलिए मैंने जी कोल्ड ड्रिंक रख दी है, मतलब की बोतल रख दी है। तो ये जी आज की थी हमारी छोटी सी रेसिपी, जिसको पूरे हमें बनाने में कितना मिनट लगे मैं ना, कितना टाइम लगा, पूरे 3 घंटे लगे हमें, आप लोग देख ही रहे हैं हमें पूरे 3 घंटे लगे हैं यार। तो ये अब जल्दी से खा के भी मैं दिखाती हूँ कि सब जल्दी जल्दी कैसे कैसे खा ले, खत्म हो गए खाली बर्तन आपको लाजमी दिखाओ। और इधर आ गई है, इधर डोंट टच एनीथिंग, ओके, इधर अपनी फेवरेट बोन खा रही है, मैं ना देखना किसी चीज को छेड़ना दे, ये बच्चे जी रेडी होके बैठ गए हैं। 3 hours later, हेलो अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक विद एंड अदर वीडियो। तो भाई लोग आप कैसे हैं यार, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम काफी देर बाद बना रहे हैं व्लॉग, एक्चुअली सीन कुछ ऐसे है, ले आयो, चलो बेहतरीन है, चलो ये गंदा होगा इसको ऊपर ले जाओ फिर मैं इसको सेट करता हूँ। तो यार सीन कुछ ऐसे कि यार मैं बीमार था, मेरी बेगम बीमार थी, और फिर हमारा व्लॉग बनाने को दिल ही नहीं कर रहा था, कोई एक्टिविटीज नहीं थी जिसकी वजह से हम व्लॉग नहीं बना सके। तो सीन आज कुछ ऐसे कि मैंने यहाँ से व्लॉग स्टार्ट किया है, ये बेसिकली ऊपर वाला पोर्शन है, जैसे आपको पुरानी वीडियोज में दिखाया था कि ये घर की सारी सफाई वगैरह गन शंस हमने सारा कुछ ऊपर रख दिया है। आज है बारबेक्यू, हमने बारबेक्यू का प्लान बनाया, मेरे ससुराल वाले आए हैं और हमने बारबेक्यू का प्लान बना लिया है, और मैं सारा चीजें चूजें ऊपर लेकर जा रहा हूँ, मेरे साथ हेल्प करेगा उस्मान और सुबान और मैं और क्या नाम ये और उस्मान और वो अजान, ठीक है। तो ये मेरे साथ 3 लौंडे लपाड़े मेरे साथ करेंगे हेल्प, तो ये 3 लौंडे और एक बड़ा लौंडा है वो भी मेरे साथ करेगा हेल्प, और मैं बनाऊंगा आज टिक्के शिक्के। वाह क्या सीन है, बस हमने उसको यार तलना है, क्या उसको कहते हैं यार, उसको वो सेका सूखा देना है, फिर आराम से मजे से खाएंगे। तो यार बहरहाल मैंने कुछ सामान और रह गया, मैं वो नीचे से ऊपर ले आऊँ, मैं कुछ ऊपर अभी लाइटिंग का इंतजाम करना है, नीचे लाइटिंग नहीं है, ऊपर भी लाइटिंग नहीं है। तो सीन ये है कि ये हमें चाहिए बड़ी लाइट, ये लाटा चाहिए लाटा, ये हमने उठा के ऊपर लेकर जाना है, लेकिन अब मसला ये है कि इधर चढ़े कौन, कैसे उतारूं, तो चीज ढूंढनी पड़ेगी स्टूल। यार आज मैं तैयार शार बिल्कुल नहीं हुआ, मुझे नजर लग जाती है, तो मैं 2 दिन सिर्फ तैयार हुआ हूँ व्लॉग बनाए, और मेरी तबीयत हो गई है खराब, तो यार इसको सीरियस लेना है आपने। नहीं यार लाइट शाइट मैंने उतार ली, अभी ऊपर जाके इसको सेटअप करते हैं, ये बड़ी हेल्प कर रहा है यार, ये तुम ना होते तो आज काम नहीं था होना मेरा, ठीक है, हैं? कोई बात नहीं, इधर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, चलाओ ऊपर चले, चलो चलो ऊपर चले, चलो जी चलो चलो आ जाओ, टिक्के लग रहे हैं, बहुत टाइम है, तो मैंने कहा थोड़ी देर ये खा लेते हैं, फिर टिक्के हमने नान में उसके साथ थोड़ी खा ली, सही है ये, वैसे भी वो हर 15 मिनट बाद रोटी ना खाए इसका बीपी लो हो जाता है, डिग जाती है। बकवास बंद। यार लाइट हमारी ओके हो चुकी है, ये लाइट शाइट मैंने इधर हैंग कर दी है, इसमें उस्मान ने बड़ी हेल्प की है। तो यार बाकी अभी मैंने सिस्टम करना है, आग शग लगानी है, उसका मटेरियल कुछ कोयले शोयले जलाने हैं, वो भी मुझे मैंने फर्स्ट टाइम करना है, पहले हमने कभी किया ही नहीं है बारबेक्यू। तो इधर भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं, इधर नो आपने गंदी चीज़ें नहीं पकड़नी, चटाई वगैरह हमने बिछा ली यहाँ पे, यार बैठेंगे यहाँ पे तो मैं वह चिट्टा नज़र आ रहा हूँ। तो यार उस्मान अच्छा चल कर ले तू कर ले यार, तू कर ले उसको बोल, मैं करता हूँ थोड़ी देर तक, उसको भी इनवाइट कर दो, ये मैंने लेकर जाना है, एक मिनट ठहरो बेटा, इसके ना वायरस आ रहे हैं, एक मिनट ठहरो, इसको ऐसे उतरना है यार, ये हाँ ठीक है, ये चीज़ें इससे नहीं उस्मान पकड़ा जाएगा, या तो ये उतार लो ना, एक मिनट ठहरो, ये पिन्ने उतारो, हाँ ये भी उतारो, ठीक है ये लेकर जाओ, मैं इसका रिमोट पता नहीं अब किधर इसने रखा हुआ। बाकी हमने ये सिस्टम उठा लिया है, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होना चाहिए, हल्ला गुल्ला क्या है यार, थोड़ा सा मजा तो आना चाहिए ना बारबेक्यू का। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने बेटा, ये मोबाइल, हाँ ये भी रिमोट इसका पकड़ो, ध्यान से खुद ही ना डिग जाए, सामान वगैरह सारा रेडी हो गया, मैंने आगे सजा लिया हुआ है मेरा, कुछ सामान भी आ गया, तो अब इसको इंतजाम करना है उस्मान, वो हमारी भांजी को ना जरा 2-5-10 मिनट नहीं साथ करता रहा, मसला कोई नहीं करता रहा,
मैं भी करता था और मुझे फिर ये मिल गई और मैं फिर उसके बाद बर्बाद हो गया। ओह माय गॉड। तो अभी इसको जलाना है तो जलाने के लिए हमने दूध भी रखा हुआ है, ये बेसिकली दूध के साथ चलाएंगे, सही है ना? अच्छा। हाँ ये दूध भाई हमने रखा, मिल्क पैक का ये रेसिपी नहीं सीख लो, ये जल्दी जल जाते हैं कोयले। उस्मान क्या कितने तो ठीक है, कम डालू डालते। अच्छा चलो इसको बाद में करते हैं, उसको एक साइड पे कर लेंगे ना, इतनी बड़ी तो है। मुझे वो माचिस किधर है? माचिस, हाँ ये माचिस आ गई। और ये भी चीज़ आ गई है, वो मुझे चाहिए वो चीज़। इसको कोयले शोले जो हट, इसी से कर लें एक से, चलो इसी से करते हैं। तो आपने थोड़ा सा इसमें मिल्क पैक डालना है, ठीक है? मिल्क पैक दूध मेरा बहुत है ना, लग जाएगी आग इससे। पाया ना मिल्क पैक है, नवी पैकिंग के नाल आया पेट्रोल, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो बड़ी मुश्किल से ये आग लगा रहे हैं, आग लग नहीं रही, बहुत मुश्किल से आग लग रही है। ये बस जुबान की आग जला सकता है। क्यों है? मजा आ गया क्या? मैं बनाती हूं पीछे छोड़ा। बड़ी मुश्किल ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਗਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਟਿੱਕੇ ਭਰਨੇ ਜੇ। ਅਬ ਹਮ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਡਾਲेंगे, ਠੀਕ ਹੈ? ਮਟਲੀ ਕੀ ਬਿਲਾਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਬ ਇਸਮੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਕਦੋਂ। ਔਰ ਬਿਲਾਲ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇ ਹੈ ਕੋਲੇ ਜਲਾਣੇ ਕੇ ਲਈ, जल जा भाई, भूख लगी है सानू। और हमारे कोले जल गई जे, लग गई जे, लग गई जे, लग गई जे। और ये मोटी ने अभी एक सीख के अंदर एक ही बोटी को तुना है, तरीके से लगाई है ना बोटी, सही तरह तुना इसको, चार बोटियां लगी है फासले पे। शाबाश। और ये पकड़ लिया, लग गई जे, मिक्स करें सारे कोलों को, ये इधर वालों को नहीं लगी ना, आग लग गई है। यार इसमें वो ब्रश के भी रखना था ना, ऑयल लगाना था, ऑयल भी रखना था कॉली में। और ये लगा रही है इदा, वेयर इज इदा? फिर हवा दे इसको, फिर से इदा, इदा बेटा वो पकेगी अभी, इदा इदा मान लो, उसकी शर्ट सीधी करो, शर्ट सीधी करो। और शहर लगा रही है इसमें का बोटी, ऐसे लगती नहीं है। अब ये दोनों जिद कर रहे हैं कि लेग पीस ना लगाओ, वो कहती लेग पीस लगाओ, ऐला वो कहती अब ही लाला, ये कह रही फीके ना हो, चख के दे, चीख मारी में डर गई, जुबान लगा इसको, मसाले को चख के दे। सीधा मानो बैठ के लगाने लगी है टिक्के, टिक्के बोटी लगाने लगी है टिक्के। ये देखिए बड़ी मुश्किल से उसकी माँ ने पकड़ा था टिक्के लगा ले, और इधर बीबी उसकी गोदी में बैठ गई। इधर मामा को काम करने दो, मामा उठ के भाग जाएगी, फिर करें पहले काम करें इसको, क्योंकि एक टिक्के जल जाएंगे। मैंने हड्डियों में लगाए नहीं किए, बात सुनो, वो इतने हैं नहीं है। मैं इसको कह रही 3 दिन लगा, बस 3 इनफ है, और ये इस तरह नहीं लगाने थे। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 सीखे लग चुकी हैं इसके ऊपर। प्यारा भाई बहुत ज्यादा गहरी सोच में है, समझ से बात क्या करे, इसलिए खामोशी से बस सुन रहा है और देख रहा है। यार ये आग बंद नहीं हो रही, जिसकी वजह से ना हमारे टिक्के शिक्के खराब हो सकते हैं, क्योंकि ये देखो जल रहे हैं। यार ये तो जल गए हैं यार, कोयले एक मिनट ठहरे, ये थोड़ी सी खराब हो गई, शिट यार। हाँ ये तो ठीक है, हाँ एक मिनट ठहरो यार, अभी मुझे आते ही नहीं है भाई, इसी तरह ही बनेंगे। तुम तो कुछ कर नहीं, तुमने सिर्फ वो कर, एक मिनट ठहरे, एक मिनट, ये तो सारी खराब हो जाएंगी यार। ओए होए होए, और ये बच्चे हैं जो कह रहे हैं अब इनवाइट नहीं किया, ये वही बच्चे हैं जो कि इसके गलती से फ़ैन थे, अब नहीं है, और इसने इनवाइट नहीं किया, तो वो कह रहे हैं कि हम आपके फ़ैन नहीं हैं, अनसब्सक्राइब कर देंगे आपको, नहीं तो अभी भी बुलाने टाइम है। क्या क्राइब करते हो? सब्सक्राइब किया हुआ है ना, सब्सक्राइब फॉलो नहीं होता, फॉलो होता है। चलो सफाई करो, सफाई करो।
टिक्का शो कह रहे इसको हमने अनसब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमें नहीं बुलाया। वैसे अगर बच्चों को बुला ले तो शुगर काफ़ी लग जाएगा, रोला भी पड़ जाएगा कि उस्मान उस्मान तो तब से जो हमारी भाभी है ना उसने कहा कि तुमने भूत के अलावा दुनिया से हिले तो घर जा कर लेट जाओ सीधा, तो बेचारा चुप करके टिक 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 लगा हुआ। एक ज़माने में वो ये होता था। तो भाभी जी को कहते हैं भाभी जी समझ जाए अभी भी टाइम है, अलग अलग रास्ते कर ले, नहीं तो राजपूतों के मुगलों का कोई आपस में सलूक थोड़ा सा भी नहीं है। राजपूत है ना भाई, वो भी राजपूत है। A few hours later. टिक्के शिक्के रेडी हो गए थे लेकिन उसके बाद भूख इतनी ज्यादा लगी हुई है थी तो सीन ये कि वीडियो बनाना याद ही नहीं रहा, तो हम तो सारा खा पी गए हैं भाई, अब तो खा दिए चटनियाँ शटनियों के रह गए हैं। उस्मान ने माशाल्लाह से मेरा ख्याल है पूरा पतीला रगड़ लिया है, इदा भी माशाल्लाह लगी हुई है खाने, तो ये मेरा ख्याल काफ़ी ज़्यादा खा गई, इन बस करवाओ इधर बस करो। ओए 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 2000 years later. अच्छा जी, तो हम घर आ गए थे इनको छोड़ने के लिए हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया था, तो इनकी हमेशा की तरह डिमांड थी कि हमें घर छोड़ दो, अभी हम घर पहुंचे इनको घर छोड़ने लगे थे लेकिन इनको याद आ गया कि हमने बाजार जाना, हमें कोई काम है, अब कह रहे जी वापस आप घर जाते हुए हमें बाजार छोड़ दो, तो इन सबको हम बाजार छोड़ेंगे और इस मैडम को हम फिर क्या कहते हैं इसके घर छोड़ेंगे गलती से, और फिर हम किधर जाएंगे मैं नहीं बताऊंगा, फिर हम घर जाएंगे और इसको मैं काफी दिनों से कह रही हूँ कि इस व्लॉग एंड कर लो एंड कर लो और ये नहीं कर रहा, तो मैं सच्ची बात बताती हूँ कि आज पूरे हफ्ता हो गया और इस व्लॉग का आज एंड कर रहे हैं। चले जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट व्लॉग के साथ।